जी नमस्कार, बीएनबी और इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रुद्धि और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत से पूरे गांव में पसरा मातम। इधर घटना की सूचना पाकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स। ज्ञात हो कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के रघेडी गांव निवासी जितेंद्र गिरी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह से होकर गांडे स्थित दास डी सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर मौत हो गई थी। इधर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने मृतक के परिजनों से मिलकर खाद्य सामग्री कंबल दिया और भविष्य में हर संभव मदद हेतु आश्वासन भी दिए। आइए देखते क्या कहते हैं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद। तो फिर बड़े हैं बीएनबी से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत की सूचना पाकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे बेंगाबाद के रघेडी गांव। बताया जाता है गांडे स्थित दास डी के पास बीती रात सड़क हादसे में जितेंद्र गिरी, उनकी पत्नी आशा देवी व उसकी पुत्री की मौत हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे और उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। वहीं खाद्य सामग्री व जितेंद्र गिरी की माँ के लिए कम्बल आदि सामग्री भी दिया। इधर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हर संभव इस पीड़ित परिवार को मदद की जाएगी। इधर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य आदि आला अधिकारियों को भी इन्होंने साफ निर्देश दिया कि जहां भी जो भी जरूरत पड़े इनके दस्तावेज और मदद के लिए तैयार रहें और इनको हर संभव मदद करें। इधर डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि इस पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और आगे भविष्य में इनके दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके लिए हम लोग विचार भी करेंगे और हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद। दुर्घटना में तीन की मौत हो गई और आप पहुंचे हुए हैं, इस बताएं कैसे, क्या इसका पारिवारिक हाल होगा? बहुत 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 ही दुखद घटना है और मैं थाने बाहर था जी, ताजी में लौटा हूँ करीब 12-1 बजे। एक मीटिंग थी डीसी साहब के यहाँ 3 बजे और वहाँ से मैं भागता हुआ इन लोगों, मैंने कहा आप लोग चलो हम आते। तो इससे बड़ी दुर्घटना, पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ बच्ची सब मंदिर से लेकर लौट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि गाड़ी पकड़ी गई है, जान तो नहीं लौट सकती है लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि जो थोड़ा बहुत इस दुखी परिवार को कुछ मोहलत हो जाए, कुछ राहत हो जाए, उसका उपाय किया जाएगा। मैंने प्रखंड स्तर पर सतर्क कर दिया है सब लोगों को, इस परिवार और घटना से संबंधित जो भी कागजात जिस चीज़ की आवश्यकता हो आप लोग उसको मुहैया कराएं। और आगे जो NH का एक मुआवजा होता है, एक कानून है देश का कि NH पर अगर एक्सीडेंट होता है तो NH भी उसमें कुछ कंपनसेशन देने की बात करती है, तो उसमें भी ये लोग बात करेंगे, वकील से बात करके उसमें अपील में जाएंगे। बाकी बात जो यहाँ के पंचायत समिति हैं, मुखिया जी हैं, बाकी जो जो लोग जागरूक हैं, मैंने कह दिया कि अगर किसी तरह की कोई भी आपको कोताही नज़र आए तो मुझे तुरंत मुझसे संपर्क कीजिएगा और जो होगा इस परिवार को आगे ले जाने में जो मदद हम लोगों से हो पाएगी लेकिन वो कानूनी तौर पर वो मदद करूँगा मैं, निश्चित रूप से करूँगा। उस परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे रह गए, बाकी तो उनके जो चले गए, उसके लिए कुछ ऐसा है कि उनके जो, और मैं नहीं जानता कि उनके जो चाचा हैं या इस परिवार के और सदस्य लोग हैं, मैंने जब ये कह दिया कि जो भी हमारे तरफ से मदद होगी जी तो उसमें जिस तरह की मदद ये चाहेंगे मैं करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।